तो मैं पिन टक्स बना रही हूँ दोबारा से, और आप देखेंगे पिन टक्स कैसे बनेगा। और पिन टक्स के बाद ही हम इसी पर क्रॉस टक बनाएंगे। पिन टक्स के लिए सबसे पहले आपको फैब्रिक चाहिए 5x7 इंच का, और क्रॉस टक के लिए आपको फैब्रिक चाहिए 7x7 इंच का। तो मैं 7x7 इंच का फैब्रिक ले रही हूँ। यहाँ से मैंने 7 मार्क किया और यहाँ से मैंने 7 मार्क किया, और 7x7 का हम एक फैब्रिक कट कर लेंगे। सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ अपना फैब्रिक कट करते जाएंगे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ सब अपना करते जाएंगे। चारों तरफ से बराबर कर लेना है ताकि आपका सैंपल जो है बिल्कुल परफेक्ट हो। तो इसमें आप क्या करेंगे, जिस तरह से ये आपका सैंपल रेडी हो गया है 7x7, तो इसमें आपको 1x1 इंच का मार्क करना है। 1x1 इंच मार्क करने पिन टक्स के लिए आपको लेंथ वाइज मार्क करना है सिर्फ, और क्रॉस टक के लिए आपको लेंथ वाइज और विड्थ वाइज दोनों तरफ से मार्क करना। पहले मैं पिन टक्स के निशान लगा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये पिन टक्स के निशान लग चुके हैं, ये मैंने लेंथ वाइज निशान लगाए हैं पिन टक्स के। ओके, अब हम क्रॉस वाइज निशान लगाएंगे विड्थ वाइज, वो भी 1x1 इंच के ही आपके मार्क लगेंगे। तो इसको भी आप लाइंस को मिला लेंगे।